मैदान दे विच आ रहे हो, तुहाडी पार्टी दा उम्मीदवार मैदान दे विच आ रहा? देखो मैदान च तां साडा हैगा ही है, फलौर नूं असीं सारिआं ने सोचिआ कि उहनूं कैंडिडेट बणाउणा। की स्थिति आ गई कि तुसीं बीजेपी दे नाल नहीं हो, तुसीं अपना उम्मीदवार उतारन लई लगभग तुसीं तय ही कर लिया, मतलब 90% तुसीं आप कह रहे हो कि तय हो गया, बीजेपी दे नाल रिश्ते हुण उस तरह दे नहीं रहे, सुखावे नहीं रहे? बीजेपी वाले ने साडे नाल तां कदे गल ही नहीं कीती, वो हुण सारिआं दी राय बन गई कि नहीं लड़ो तुसीं। आ दोबारा वो रिश्ते श्रोमणी अकाली दल नाल तुहाडे ठीक हो सकदे ने? चुभिए ते हुंदा नहीं हो सकदा। लोग चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल दोबारा खड़ा हो, पर बादलों तो खड़ा छुटे। कहते गणित तो भी औखा है सियासत का समीकरण समझना, कुछ इस तरह का हम नवा सियासी समीकरण बन रहा है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे वल्लों। जलंधर के जिमनी चोणों नूं लैके एक कमेटी बनाई गई है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे वल्लों। इस कमेटी की अगवाई बीबी जगीर कौर करनगे और तय करनगे कि जिमनी चोण लड़ना है या नहीं लड़ना। लगभग तय हो चुका है कि सरवण सिंह फलौर इस पार्टी के उम्मीदवार वजो जलंधर बाय इलैक्शन मैदान उतर सकते हैं, तो सियासी समीकरण बदल गए हैं, तुम आपे अंदाजा लगा सकते हो। साढ़े नाल अज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींसा ने। ढींसा साहब, जिवें मैं गल की कि बड़ा ये होर समीकरण जड़े ने पहला जड़े है सी, वो सत मैंबरी कमेटी बनाने का फैसला किया बीबी जगीर कौर की प्रधानगी थले बना दी है, लेकिन हुण सब दा राय सी कि तुसी दोनों बैठ जाओ एक अद्धे दिन च बैठ के तुसी फैसला कर दो, कमेटी से लंबा समा लग जाएगा जी। इस करके हुण असी कल नूं मैं ते बीबी मिल रहे हां, उस तो बाद ना होया फिर कमेटी देखांगे जी। वैसे लगभग आप तय मान सकते हैं कि तुसी अपना उम्मीदवार उतारोगे? उम्मीदवार तो सारिआं दा नहीं, ये है कि फलौर साहब दे सहमति बन रही सी सारिआं दी कि उन्हां नूं करो, हुण फलौर साहब ने देखना भी की कहिंदे ने, क्योंकि दिन निकलते जा रहे हैं, नोटिफिकेशन शुरू हो जाए। लगभग मान सकते हैं आप कि तुसी मैदान दे विच आ रहे हो, तुहाडी पार्टी दा उम्मीदवार मैदान दे विच आ रहा है? देखो मैदान च तो साडा हैगा ही है, वो जिहड़ा फलौर है, फलौर नूं असीं सारिआं ने सोचिआ कि उहनूं कैंडिडेट बणाईए, बस अजे फाइनल होना जो तुसी बीबी जगीर कौर और तुसी मीटिंग करो। हाँ जी, उस तों बाद फिर फाइनल कर दे। सर समीकरण इस करके बदल गया क्योंकि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ 90% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਕਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਦਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨੂੰਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋਦਮ ਬਣੇ ਨੇ,
पर जदों ये हुण जिन्ना दौर रहा तुहाडी कोई गलबात नहीं किसी वड्डे लीडर नाल 2022 तों पहलां दे बड़े वड्डे तरीके दे नाल उन्होंने तुहानूं नाल शामिल अपने नाल शामिल किया प्रचार भी तुहाडे नाल बहुत डट के किया पर हुण एक साल दे विच कोई कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेशन मैं एक दो बारी पिछले जे मिलिया हुण तां 2-3 महीने तों किसी नूं नहीं मिलिया ते मैं होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया जरूर 2 वारी होर मैं किसी नूं मिलिया ते उह भी जनरली पॉलिटिक्स पोलीटिकल इशू ते गल हुंदी रही है ये नहीं होया कि इलैक्शन असीं इकट्ठे लड़ांगे जां नहीं लड़ांगे असीं साडी कोई ऐसी बात नहीं सर तुसी शायद हजे खुल के तुसी नहीं दस रहे पर समझ तो आ ही रहा कि बीजेपी और तुहाडे रस्ते किथे ना किथे अलग हो रहे ने हुण एक समझो ये मैं तुहानूं दस्सिया भी पार्टी ने फैसला करना हुंदा की करदी आ अजे तां अजे फैसला होना है पहलां मैं ते बीबी जी मिलांगे फिर ओह शायद कमेटी बनूगी फिर कमेटी फैसला करूगी असीं ना कर सके अज बीबी जी ने भी बीबी जगीर कौर जी ने भी इस पार्टी शामिल होना सीगा इस मीटिंग शामिल होना सीगा वो आई नहीं की कारण बने मजबूरी हो गई जी उन्होंने जाना पै गया चंडीगढ़ वो अज भी चंडीगढ़ ही ने का मैं कहें मैं चंडीगढ़ ही हाँ तुम आ जाओ अपन डिस्कस कर लेंगे जिमनी चोण है हर पार्टी के लिए वकार का सवाल बनया होया सरवन सिंह फलोर हुणा दे नाल दस्या जा रहा है कि गल्लां निकल के आ रही सी कि अकाली दल उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाना चाहता पर हुण अज मीटिंग दे विच तुसी कह रहे हो कि लगभग उन्होंने सहमति बन रही है वो उम्मीदवार हो सकते हैं कि अकाली दल वालों उन्होंने नाल सहमति नहीं बनी तो फिर हुण तुसी तय किया कि सरवन सिंह फलोर उन्होंने मैदान च उतारा जाए अज सरवन सिंह ने कहा कि मैनू एक भी बंदा मिलिया होवे कदे एक भी मिलिया हो जरूर कहिंदे रहे भी सुखबीर का मैसेज जरूर आया सी कि असी तेरे को चाह पीनी है मैं कहते अच चाह पीनी आ जाओ उन्हें कदे मेरे नाल कहिंदा कोई गल की हो कहिंदा वहाँ होंदियां रही मैं मेरे मैनू मिले नहीं कोई मिलिया भी नहीं कोई मेरे नाल गल भी नहीं हुई टिड़सा साहब जिमनी चोण है आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगवंत मान ने जो तुहानूं पहली बार हराया वो अक्सर ही हजे तक प्रचार करते हैं कि मैं बड़ा वड्डा थंब लीडर बड़े वड्डे लीडर नूं हराया सीगा हुण उन्हां दी सरकार दी कारगुजारी ते लगभग फैसला होना क्योंकि जिमनी चोणां नूं दस्सिया जांदा है कि सरकार दे काम ते एक वोटां पैंदियां ने ते सरकार लई सब तो औखा हो जांदा है इलैक्शन तुसीं उन्हां दी कारगुजारी नूं किवें देखदे हो तुसीं उन्हां नाल पहलां भी मुकाबला करदे आए हो हुण उह मुख्यमंत्री ने उन्हां दे नाल जो तुहाडी पार्टी दा मुकाबला भी हुंदा तुसीं किवें देख रहे हो सारे समीकरण नूं मैनूं दस्सो वी उह तकरीबन 4 लाख वोटां ते जित्तिया सी नवे हल्के बुला लो जो उस हल्के ने असैम्बली तो हूँ हार गया 3 महीने च हार गया वो तो हम कौन जवाब दे तो वही जवाब दे सकता की कारण हो मेरा हारना मैं बहुत वोटर बहुत इलेक्शन जितया भी हाँ कुछ मैं सीटा मैं इलेक्शन हारिया भी हाँ राजनीति कौन नहीं हारिया इंदिरा गांधी हार गई सी मतलब कौन बंदा नहीं हरिया मैंने दसो बादल बादल भी हरिया हर बंदा कदे ना कदे हरिया क्योंकि लोगों का डेमोक्रेसी का ही सिद्धांत है कि उन्होंने शायद कोई चंगा नवा लगे पर उन्होंने हूँ फिर भगवंत मान की सरकार होंदिया चीफ मिनिस्टर होंदिया उन्होंने बुरी तरह हराता आखिरी सवाल है जिस तरह हूँ आप जो हूँ जिनी को मैं गल समझ पा रहे हैं कि जो बीजेपी अपना उम्मीदवार चुन रही है जो बीजेपी अपना प्रचार कर रही है तो लग रहा है कि उन्हें अपनी अलायंस पार्टी को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस इस इलेक्शन के नहीं दी यही आरोप कितने ना कितने श्रोमणी अकाली दल वालों भी लगाया गया सीगा कि सानू अलायंस के रख के भी साढ़े कोई चीज़ा नहीं पूछिया जाए अब श्रोमणी अकाली दल में भी उम्मीदवार लभन बड़ी देरी लगी बंगा के MLA मैदान उतारना पाया और जो अज तुम रणनीति बना रहे हो दोवें रणनीतियां कितने ना कितने मेल खा रही ने श्रोमणी अकाली दल की स्थिति को कितने देख रहे हो और की दोबारा वो रिश्ते श्रोमणी अकाली दल ना ठीक हो सकते हैं सुखबीर के होंदे नहीं हो सकते लोग चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल दोबारा खड़ा हो और बादलों तो खड़ा छुटे श्रोमणी अकाली दल ने लोगों को विश्वास है कि ये सारिया पार्टियां सारे धर्मों के लोगों नाल लैके तुरदा और पंथक पार्टी है इस करके और आम बहुत मेरे को टैलीफोन आते कहते यार बादलों को कढ़ो मैं किवें कढ़ीए कहते उन्होंने कढ़ के तुसी अकाली इकट्ठे हो सारे ता ही भला हो सकता इस सूबे का पर सुखबीर नहीं कर सकता सुखबीर इन्ना बदनाम हो गया इन्नी नफरत होगी लोगों कि उन्होंने कोई भी मूँह लाने तैयार नहीं आखिरी सवाल कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स नू फोर ग्रांटेड ले लेंदी है चाहे शिवसेना होवे चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे चाहे श्रोमणी अकाली दल संयुक्त होवे तो यार उन्होंने तो पूछो ना बीजेपी तो तुसी की महसूस करते हो सर ना मैं की महसूस करता मेरे तो हुण साडे तो कोई सरकार चाहे नहीं सी असी तो
बिल्कुल ए सन सुखदेव सिंह ढींसा जो दस रहे हैं कि आने वाले एक दो दिनों के ऐलान कर दिया जाएगा। वो लगभग तय है कि सरवण सिंह फलोर श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे वल्लों जलंधर के बाई इलैक्शन उम्मीदवार वजो मैदान उतर सकते हैं और समीकरण जोड़े ने बहुत सारे इस इलैक्शन के बदल सकते हैं। कैमरामैन पवन के नाल रिमांशु गाबा दैनिक सवेरा टीवी जलंधर।